क्या चाचा के घर पे इतने सारे लोग क्यों आ गए? क्या हुआ होगा? देखिए, मेरे बेटे की वजह से अगर तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। ऐसे फालतू विचार मत कीजिए कि मैं उसे अपने घर में ले जाऊंगा। 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, शादी करवा दीजिए और बचे हुए पैसों को फिक्स डिपॉजिट में डलवा दीजिएगा। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आते ही रहेंगे ना, फायदा ही है। पर अगर हाँ तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मेरे आदमी ये पूरा इलाका जला देंगे। अच्छा, वैसे मेरे बेटे ने अगर क्या कहते हैं वो उसे सेफ्टी, हाँ अगर सेफ्टी इस्तेमाल की होती तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे तेरी तो। आप क्यों उठ रहे हैं सर? आप बैठ जाइए। बेचारा, गलती तो इस बेचारे ने की है ना। वैसे सर, सेफ्टी रखे बिना इसे पैदा करने से पहले अगर आपने सोचा होता तो यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती ना सर। अच्छा तो और लोग हैं? रुक जाओ, ठीक है। मुझ पे गुस्सा है लेकिन इस यजमान पर बहुत प्यार है। खुद पे जिसको भरोसा है वो बाहर आ जाओ, लड़ते हैं चलो। वो क्या है ना, चाचा ने बहुत ही मेहनत से इस घर को बनाया है। अगर इस घर को कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा बाहर जाके लड़ते हैं। ए, आजा, चल आजा। मैंने खरीदा ताकि मैं मार सकूं, तू मार सके इसलिए नहीं। We'll be right back.
ऐसे क्या देख रहे हो सर, उन्हें तो अब ले ही जाना होगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। सीने पर मारूंगा तो सहने वाली उम्र नहीं है आपकी, वैसे ही यहाँ पर चोट लगे तो सहने वाली उम्र नहीं है इनकी। ऐसे में क्यों इनके साथ खेल रहे हो सर? उसने इस पर भरोसा किया इसलिए अपने आपको इसे सौंप दिया, समझ में नहीं आया ना? फिर से कहता हूँ, उसने इस पर भरोसा किया इसलिए उसने खुद को सौंप दिया। ऐसे में आप क्यों गलत सही देख रहे हो सर? मुझे पता है कि यह लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। क्यों रे? देख लिया ना, बात को समझ के इन दोनों की शादी करवा दो, वरना मुझे फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। और कैसे मिलूंगा ये तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलता हूँ सर। चाचा चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। सर सर अब तक मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया सर, मैं गुस्से में जो मन में आया वो बोल देता हूँ सर, एक बार याद करो ना सर। सीने पे मारूं तो? अरे आपके बारे में नहीं सर, इन दोनों के बारे में कुछ कहा था सर। उसने उस पे भरोसा किया था इसलिए तो उसने खुद को सौंप दिया था। आपको समझ में आ गया ना सर? मेरे भी समझ में आ गया। नमस्ते सर, चलता हूँ। मैं कितना बड़ा कथा हूँ, मेरी पार्वती मुझसे कितना प्यार करती है इसलिए उसने खुद को मुझे सौंप दिया और मैं अपने फालतू शौक के लिए उसे छोड़ रहा हूँ। छी तुझे शर्म नहीं आती बाला? फिर से प्यार करना होगा उससे।